नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का विधान है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन तप की देवी तपस्या का फल देने वाली मां ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि मां के इस रूप का किस विधि से पूजन किया जाना चाहिए, कौन से मंत्रोच्चारण करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। कौन है मां ब्रह्मचारिणी? माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का असल अर्थ तपस्या होता है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों को उनकी तपस्या का फल देने वाला है। माता की पूजा अर्चना करने से इंसान के भीतर त्याग, सदाचार, प्रेम और संयम की भावना का समावेश होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप में माता अपने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए रहती हैं। पुराणों में वर्णित है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से देवों के देव भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस रूप में माता ने घोर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के चलते ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। इस रूप में माता ने 1000 साल केवल फल खाकर बिताए। लंबे समय तक कठिन उपवास रख खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट भी सहे। कहा जाता है कि माता ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना की। इसके साथ उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा भी पड़ गया। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज तीनों लोकों को उजागर करता है। तब देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को भूतपूर्व बताते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इस कथा का सार यह है कि इंसान को जीवन के कठिन समय में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन जिन देवी देवताओं की स्तुति कर कलश की स्थापना की थी, उस कलश की फूल, अक्षत, रौली, चंदन से पूजा करें। दूध, दही, घी और शहद से आराध्य को स्नान कराते हुए देवी को कुछ प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद अर्पण करने के बाद आचमन करते हुए 5 सुपारी भेंट करें। कलश देवता की पूजा के साथ नवग्रह, सभी दिशाओं, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करें। इस विधि विधान के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय अपने हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करें। माता को कमल बेहद पसंद होने के कारण उन्हें कमल की माला पहनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तते नमस्तते नमो नमः। सो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन की विधि से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।